तो हम लोग तो गौरैया पक्षी है जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उसके पीठ पे यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग भी आ गए हैं। भाड़ा नहीं था, नीतीश भैया लेके आए हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए मज़ेदार वीडियो में। तो आज देख सकते हैं आप लोग कहाँ आए हैं हम लोग। अभी तो दिखेगा नहीं, बिहार म्यूजियम आए हुए हैं। तो जाएंगे अभी, आगे बहुत सारा मस्ती होगा। तो जैसा कि सुनने में आया था 300 करोड़ लगा हुआ था इस म्यूजियम को बनाने के लिए, और ये नया वाला म्यूजियम है। और पटना म्यूजियम दूसरे जगह पर है, इसका नाम है बिहार म्यूजियम। तो नया बना हुआ है, काफ़ी खर्चा हुआ है इस म्यूजियम को बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो हम लोग टिकट ले चुके हैं, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। चलिए आगे आगे आप लोगों को दिखाएंगे और क्या क्या है इसमें। अंदर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। हम लोग घूमना चालू कर चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी है, बुद्ध का मूर्ति। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है पूरा बिहार म्यूजियम। देख सकते हैं आप लोग, छुटा हुआ मूर्ति है एंटिक पीस। आगे देखिए, यहाँ पे बिहार आ गया। यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं पूरा। देख सकते हैं आप लोग क्या क्या है यहाँ पे। रिकॉर्ड फ्रॉम द पास्ट, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ जो जो आप लोग देखे हुए हैं। और आगे चलिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या क्या है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे, पोछा लगा रहे हैं भैया। काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है चारों तरफ। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, तो देखिए हिस्ट्री गैलरी। और लाइट के कारण नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। चलिए अब अंदर और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और देख सकते हैं यहाँ पे नक्शा भी है, पता ना किस चीज़ का नक्शा है। द ज्योग्राफिकल सेटिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या पत्थर है, कुछ काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
द बिगनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हुआ है पत्थरों का प्रयोगिक मानव। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं गाइज आप लोग, कब से तो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे लोग, इधर आए हैं लुगा छिपा के। काफी शांति माहौल है यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग गाइस काफी पुराना पुराना यहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है, सारा गौतम बुद्ध का मूर्ति है। चलिए आगे वीडियो बना रही है आप लोगों को आगे दिखा रहे हैं। और जैन और बौद्धिक प्रतीक देख सकते हैं यहाँ पे, बड़ा मूर्ति है यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम लोग भी आ गए हैं, भाड़ा नहीं था, इस भैया लेके आए हैं। यहाँ पे कलिग युद्ध का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कलिग पर विजय, बंदी बनाया गया था यहाँ पे, सब दिखाया गया है। यहाँ पे कितने लोग मरे हुए हैं वो भी दिखाया गया है। अशोक के शिलालेख, अशोक का शिलालेख यहाँ पे पूरा इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है। धम्म का प्रसार, अशोक स्तंभ जो कि यहाँ पे है, लिपि और भाषा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा गया रहा है, यहाँ पर ब्रह्मी लिपि निकलता है यहाँ से। चलिए आगे वीडियो में बने रहिए, दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, इस फोटो वोटो खिंचा रहा है। देख सकते हैं गाइस यहाँ बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। गाइस कहीं पे भी कैमरा अलाउ नहीं है, हम लोग कहाँ कहाँ गए लेकिन कैमरा कहीं ले जाने को नहीं मिल रहा है, तो फ़ोन से ही वीडियो बन रहा है, वो भी बनाने नहीं दे रहे हैं लोग। वीडियो बनाना मना है सारा जगह। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार नज़ारा म्यूजियम का, काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पे। तो बने रहिए ब्लॉग्स में, लाइक ज़रूर करना वीडियो को एक, और चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज। देख सकते हैं गाइस वहाँ पे छोटे छोटे मूर्ति, देख सकते हैं आप लोग काफी शांत माहौल है, काफी शांत। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर।
काफ़ी शांत माहौल है गाइस। कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि अगली व्लॉग्स कहाँ की बनाया जाए। चलिए वीडियो में बने रहिए, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का दिखाई जा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सारा इंटर दिया हुआ है। देख सकते हैं अंदर का गार्ड वहीं पे है जो कि मना करेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, वीडियो बनाना मना है यहाँ पे, सख्त मना है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए वीडियो थोड़ा बहुत। सही, चारों तरफ से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, गार्ड साहब हैं जो मना कर रहे हैं। चलो देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत ही वृक्ष, यहाँ पे छोटे छोटे आदमी और बीच में बोला है पता नहीं क्या, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। चारों तरफ से व्यू देख सकते हैं गाइस, सब साफ दिख रहा है। ये देखिए सारा बर्तन है यहाँ पे, सिलाई गिलास गिलास छिपा लोटा सब है यहाँ पे, वॉशिंग मशीन भी है, बाल्टी, टिफिन, कमंडल, सिलाई मशीन, सब कुछ इसी में है। तो अभी नीचे घूम लिए हैं पूरा, अभी छत पे जा रहे हैं गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं छत पे क्या क्या देखने को मिल रहा है हमको। सीढ़ी भी काफ़ी शानदार दिख रहा है यहाँ से, व्यू नीचे का भी देख सकते हैं, मतलब 300 करोड़ लगा हुआ है तो काफ़ी शानदार बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को, आ चुके हैं अंदर अभी। ओ यहाँ पे मैप है दिल्ली और बंगाल की सल्तनत, लाहौर, सब इसी में मैप है।
यहाँ पे सिक्का देख सकते हैं आप लोग, चमक रहा है गाइस। लाइट तो यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं पुराना पुराना उस समय का सिक्का। आगे आइए, मुगल यहाँ पे लिखा हुआ है कब से कब तक का। यहाँ पे फोटो भी जा रहा है, देख सकते हैं चाकू काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे तलवार, टच एंड गो, राजनिर्माण कौन से सिक्का। यहाँ पे तोप रखा हुआ है जो कि प्राचीन काल में यूज होता था, यहीं पे प्राचीन काल की तोप है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिखा होगा गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तोप। यहाँ पे लिखा हुआ है तोप मध्यकालीन। यहाँ पे शेर शाह सूरी जो कि आने वाले वीडियो में आप लोग जरूर देखेंगे वहाँ का मुकबरा, और जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए कुछ घंटा बंगाल के नवाब, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सल्तनत शेर शाह सूरी मुगल का सब दिया हुआ है यहीं पे। ये आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। यहाँ बड़ा हाथी, आइए हम लोगों को गन दिखाते हैं, स्वॉर्ड ऑफ पिस्टल है लिखा हुआ है यहीं पे। यहाँ पे किताब रखा हुआ है, उस टाइम का लिखा हुआ है। देख सकते हैं उर्दू में लिखा हुआ है। देखिए अंकल यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। गाइस आप लोग अंदर का नजारा कुछ इस प्रकार है, काफी भरा भरा दिख रहा है। सुबह में इतना भीड़ नहीं था लेकिन अभी भीड़ दिख रहा है। यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, म्यूजियम शॉप। यहाँ पे देख सकते हैं वन्य का काफी शानदार नजारा दिख रहा है। यहाँ पे वीडियो कास्टिंग चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे सिक्का, काफी सारा सिक्का रखा हुआ है। यहाँ पे आरती का सामान है, मंदिर है शेर शाह सूरी। जल्दी भाई फोटो ले लीजिए, 500 तो आराम से कमा लेते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी है, इसमें घोड़ा गधा सब कुछ दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि काफ़ी शानदार व्यू दिखेगा यहाँ से, दिखा रहे हैं आप लोगों को। फोटोशूट पॉइंट है ये, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। काफ़ी मस्त है, देख सकते हैं आप लोग, काफी भीड़ लगा हुआ है।
गेंडा, चीता, बाघ सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। घोड़ा, शेर, हाथी, कछुआ, खरगोश, वहाँ पे बाज, मगरमच्छ सब कुछ है यहाँ पे। देख सकते हैं सीढ़ी पे चढ़ते हुए। बड़ा गणूर यंग टेलीस्कोप है यहाँ पे, जो कि धुंधला दिख रहा है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। टेलीस्कोप है डायनोसॉरस है, और उसके पीठ पे बत्तख, कबूतर जो भी है। यहाँ पे देख सकते हैं 3D एनिमेशन है लगा हुआ है, गोल घर, चाणक्य, और यहाँ पे बिहार का नक्शा है जो कि सब जगह लिखा हुआ है, सासाराम, विदेशिया, छठ भिखारी ठाकुर, बक्सर, कैमूर, कजरी, सारा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ कौन कौन मंदिर है। पंछी गोरैया पंछी है यहाँ पे, पूरा भारत का मानचित्र जो कि सब जगह है, इंडिया गेट, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, नटराज की मूर्ति, गौरैया पक्षी, तो गौरैया पक्षी है जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा पाया जाता था लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार का राज्य पक्षी गौरैया, देख सकते हैं कितना बड़ा है जो कि रियल में छोटा ही होता है। तो म्यूजियम शॉप भी है इसमें जो कि एंटिक पीस रखा हुआ होगा, देख सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ फोटोग्राफी करना मना है। देख सकते हैं आप लोग, तो फाइनली गाइस हम लोग घूम चुके हैं बिहार म्यूजियम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप लोगों को कहाँ का देखना है। ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो वहीं का बने। तो आई होप एंजॉइंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लव एंड सपोर्ट, थैंक यू गाइस।